व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और आ गया हमारा रिजल्ट जो टेस्ट सैटरडे को हुआ था, यानी कि 11 जुलाई को टेस्ट हुआ था। एक छोटी सी चीज के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, टाइमिंग स्विच हो गए, टेक्निकल एरर हो गया। जिस टाइम 11th का टेस्ट होना था उस टाइम 12th का हुआ, और जिस टाइम 12th का होना था उस टाइम 11th का हुआ, टाइमिंग स्विच हो गए। तो गाइज सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके बावजूद जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, हम उसके यहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस करने आए हैं। क्लास 12th जो टेस्ट हुआ था सॉलिड स्टेट्स का, उसमें अदिति ने टॉप रैंक मारी है, 95%। इनका स्कोर रहा 150। इन्होंने टेस्ट 30 मिनट 25 सेकेंड में ख़त्म कर लिया। तो अदिति, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, कूडोस टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुपर्ब, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, कीप द ग्रेट वर्क गोइंग। उसके बाद सेकेंड रैंक जिनकी है क्लास 12th में, उनका नाम है मनीष वर्मा। मनीष वर्मा ने 93% स्कोर किया है, 145 इनका स्कोर है। आपको रिजल्ट्स भी दिख रहे होंगे पीछे। इन्होंने ये टेस्ट 25 मिनट्स 13 सेकेंड्स में कर लिया। एंड थर्ड हमारा नवदीप, ये कमेंट्स में भी रैंक मारता है और यहाँ टेस्ट में भी इसने रैंक मारी। 137 स्कोर आया, 88% इन्होंने स्कोर किया। इन्होंने टेस्ट 67 मिनट्स 15 सेकेंड्स में कंप्लीट किया। देन फोर्थ रैंक है हमारे अभिषेक की, फिफ्थ रैंक है कृष्णा शर्मा की, और सिक्स्थ रैंक है किरण की, किरण गोवडा की। तो गाइस वेरी गुड। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इन बच्चों की रैंक आई है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्लास 11th के स्टूडेंट्स की, तो क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टेस्ट था। एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इंटरेस्टिंगली हमारी अदिति ने वापस से टॉप किया है क्लास 11th के टेस्ट में। शी स्कोर्ड 115 मार्क, 97%, एंड सिर्फ 26 मिनट 44 सेकेंड्स में आपने टेस्ट कंप्लीट किया। सेकेंड रैंक आई है भावना की, जिन्होंने 106 मार्क्स स्कोर करे, 40 मिनट्स 13 सेकेंड्स इन्होंने लिए, 93% इन्होंने स्कोर किया। इशिका नागर, 100 मार्क इन्होंने सिक्योर करे, 43 मिनट्स इन्होंने लिए, 87% इनका आया है। फोर्थ हमारे प्रतीक शुक्ला आए हैं, फिफ्थ अनुज आए हैं, एंड सिक्स्थ कृष्णा शर्मा की रैंक आई है। तो गाइस सुपर, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, एंड बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया। गाइस मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि हर टेस्ट के बाद में एक वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को सैल्यूट दूंगा, आप सभी लोगों को क्या बोलते हैं वो कूडोस बोलूंगा, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आप सभी लोगों को शाउट आउट दूंगा, और आप लोगों को इसी तरीके से इससे एनकरेजमेंट मिलेगा। इन बच्चों के नाम पीछे स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देंगे। अब गाइस ये रिजल्ट तो हो गया, अभी सॉलिड स्टेट्स का और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की पिक्चर खत्म नहीं हुई है। तो सबसे पहली बात, वो सारे स्टूडेंट जिनको अभी तक नहीं पता है कि ये क्या है, तो गाइस हम लोगों का जो एप्लीकेशन है ग्रेविटी सर्कल, इस पर फ्री टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च करी है, जिसमें हम लोग सैटरडे संडे टेस्ट रखते हैं। और हमारा पहला टेस्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए एंड क्लास 12th के लिए सॉलिड स्टेट्स का हो चुका है 11 तारीख को ही, उसके रिजल्ट्स हमने अनाउंस किए। देन हम लोग अब हमारा जो अगला टेस्ट है गाइस, आपको पीछे स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, हमारा जो अगला टेस्ट है वो अगेन क्लास 11th के स्टूडेंट्स ध्यान दें, एंड जो एक साथ देना चाहते हैं क्लास 12th के बच्चे भी देना चाहते हैं ध्यान दें। क्लास 11th का टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 2, दिस इज द सेकेंड टेस्ट, ये होने वाला है 18 जुलाई को, यानी सैटरडे के दिन दोपहर 1 बजे ये शुरू होगा, और दोपहर को 2:30 पर ये खत्म होगा। इस दिन रहेगा सैटरडे। एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 3, यानी फिर से इस चैप्टर का टेस्ट होगा, जो 19 जुलाई, यानी जस्ट अगले दिन संडे के दिन होगा। टाइमिंग 1 बजे से 2:30 बजे, यानी 1 PM to 2:30 PM ही रहेगा। हम लोग एक चैप्टर के, आप देख रहे हो, दो दो तीन तीन बार टेस्ट ले रहे हैं। क्यों? ताकि आप इस चैप्टर को फोड़ दो, एग्जाम के पहले मगब हो जाए, बिल्कुल शानदार प्रिपरेशन हो जाए। तो ये बात हो गई क्लास 11th की। क्लास 12th के प्यारे बच्चों के लिए जो टेस्ट होने वाला है 18 जुलाई को, सॉलिड स्टेट्स का ही टेस्ट है। अब क्वेश्चंस बदल जाएंगे, क्वेश्चंस बदलेंगे। शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक का टेस्ट का टाइमिंग रहेगा। 18 जुलाई के बाद 19 जुलाई को, यानी जस्ट अगले दिन संडे के दिन शाम 7 बजे
वापस से टेस्ट स्टार्ट होगा, ये सॉलिड स्टेट्स 3 है, क्वेश्चंस बदल जाएंगे, अलग टॉपिक का टेस्ट होगा। शाम 8:30 बजे ये टेस्ट खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे का स्लॉट रहेगा। देन हम लोगों ने टेस्ट पहले से डिसाइड कर लिया है, 25 जुलाई को सॉलिड स्टेट्स 4 का टेस्ट होगा, टाइमिंग 7 से 8:30 की रहेगी, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्लास 11th का 25 तारीख को जो टेस्ट होगा अभी वो हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आप मान के चलो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आपका टेस्ट होने वाला है। तो गाइज ये बात हो गई हमारे रिजल्ट्स की और हमारे आने वाले टेस्ट और उनके टॉपिक्स की। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि आप लोगों को ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर करना क्या है, तो मैं आपको एक बार सारा प्रोसेस बता देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर ही अभी हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है, रियली सॉरी iOS वगैरह पर नहीं है। तो आप कोशिश करें कि कहीं पर आपको एंड्रॉयड मोबाइल मिल जाए तो गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ग्रेविटी सर्कल। ग्रेविटी सर्कल डाउनलोड करने के बाद आपको एज अ स्टूडेंट लॉग इन करना है, आपका ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर नाम वगैरह देके। देन उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा आपको क्लिक करना है बैच पर, आपको लोअर साइड में एप्लीकेशन पर लोअर साइड में सेकेंड नंबर का ऑप्शन दिखेगा बैच। जब आप बैच पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा जो आपसे पूछेगा एंटर द बैच कोड, बैच कोड लिखिए। अब अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपका बैच कोड रहेगा क्विजर 11, यानी क्विजर 11। आपको स्क्रीन पर क्विजर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्विजर की स्पेलिंग है, क्विजर 11 सब साथ साथ में है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको बैच कोड लिखना पड़ेगा क्विजर 12। अगर आप दोनों बैचेस में शामिल होना चाहते हैं तो आप पहले क्विजर 11 लिख दीजिए, ओके कर दीजिए, आपको मैसेज लिखा हुआ आएगा योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, हमें आपका रिक्वेस्ट मिलेगा, जैसे फेसबुक पर होता है वैसे हमको आपका रिक्वेस्ट मिल जाएगा, हम हमारे एंड से आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली बैच में इन्वॉल्व हो जाओगे। फिर आप 12th का बैच कोड लिख दीजिए, हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको ऐड कर लेंगे, और फिर आप लोगों को गिवन टाइम पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आप लोग टेस्ट दे दीजिए। आप जैसे टेस्ट पर क्लिक करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, +4 -1 के हिसाब से चलेगा, MCQ रहेगा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर रिजल्ट भी मिलेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन सही करे, कौन से क्वेश्चन गलत करे, जो क्वेश्चन गलत करे उनका आंसर क्या है, ताकि आप अपने नोट्स में उसको फ्यूचर के लिए रख लें। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आप होपफुली अब आप लोग नेक्स्ट टेस्ट देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देंगे ताकि कंपटीशन बढ़े। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टॉपर्स, आप लोगों के लिए आप जब आगे और अच्छे अच्छे टेस्ट में पास होगे तो आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स भी हैं जो आपको आगे जरूर मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस।